दोस्तों भी ऋषभ पंत को एक बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ चौथे T20 मुकाबले में जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। ऐसे में सभी खिलाड़ियों ने जमकर अभ्यास करना शुरू कर दिया है। वहीं खेले जाने वाले इस मुकाबले में कौन से 11 खिलाड़ी खेलने वाले हैं और क्या उमरान मलिक को मौका मिलेगा, साथ ही साथ ये हाई वोल्टेज मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा, उसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में से बेहतरीन कप्तान कौन है? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों ऋषभ पंत की अगुवाई में टीम इंडिया को जहां पहले दो मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा था, तो वहीं खेले गए पिछले मुकाबले में जीतकर भारतीय टीम ने लय हासिल कर लिया है। अब इस सीरीज का चौथा मुकाबला बेहद ही रोमांचक हो गया है, जिसमें दोनों ही टीमें जीत के लिए जद्दोजहद करती हुई नजर आएंगी। एक तरफ जहां भारतीय टीम मुकाबले को जीतकर सीरीज को बराबरी पर लाना चाहेगी, तो वहीं दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका इस मुकाबले को जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाना चाहेगी। ऐसे में क्या मुकाबला बेहद ही रोमांचक होने वाला है? अगर इसके लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की बात करें तो ओपनिंग की जिम्मेदारी की बात करें तो यहां पर कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं है। पिछले मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करने वाले ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ ही एक बार फिर से मौका मिलेगा और इन दोनों ही खिलाड़ियों ने अपने मिले मौके को अच्छे से भुनाया है। हालांकि ऋतुराज गायकवाड़ इस मुकाबले में और अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगे, जिससे भारत टीम में अपनी दावेदारी को वो और भी ज्यादा जबरदस्त तरीके से पेश कर पाए। वहीं ईशान किशन अपने पिछले मुकाबले की फॉर्म को बरकरार रखना चाहेंगे। दोस्तों इसके बाद नंबर 3 पर एक बार फिर से हमें श्रेयस अय्यर देखने को मिल सकते हैं। अय्यर ने भले ही पिछले कुछ मुकाबलों में अच्छी बल्लेबाजी न की हो, लेकिन उन्होंने छोटे छोटे टुकड़ों में अच्छे योगदान दिए थे और भारतीय टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या को एक बार फिर से उनसे अच्छी बल्लेबाजी की उम्मीद होगी। इसके बाद नंबर 4 पर कैप्टन ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे, जिन्होंने पहले मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया था। हालांकि पिछले दो मुकाबलों में उनका प्रदर्शन साधारण रहा है, लेकिन अब चौथे मुकाबले में वो एक बार फिर से वापसी करना चाहेंगे। दोस्तों इसके बाद नंबर 5 पर गुजरात के कैप्टन और टीम इंडिया के वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या खुद नजर आने वाले हैं। पांड्या ने पहले मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से ये बता दिया है कि वो अपनी पुरानी फॉर्म में वापस आ चुके हैं। हालांकि ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि पिछले दो मुकाबलों में अच्छी बल्लेबाजी न करने के बाद वो तीसरे मुकाबले में किस तरीके का खेल दिखाते हैं। साथ ही साथ ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा कि वो गेंदबाजी करते हैं या नहीं। इसके बाद नंबर 6 पर एक बार फिर से दिनेश कार्तिक नजर आने वाले हैं, क्योंकि पिछले मुकाबलों में उन्हें ज्यादा बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला था और अगर चौथे मुकाबले में उनकी बल्लेबाजी आती है तो कार्तिक अपनी छाप जरूर छोड़ना चाहेंगे। इसके बाद अगर हम स्पिन विभाग की जिम्मेदारी की बात करें तो यहाँ कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पिछले मुकाबले में महंगे साबित रहने वाले अक्षर पटेल की जगह ऋषभ पंत अक्षर पटेल के साथ रवि बिश्नोई को आजमा सकते हैं। बिश्नोई ने IPL में अपनी टीम लखनऊ के लिए अच्छा प्रदर्शन किया था, हालांकि चहल को एक और मौका भी मिल सकता है। रोमांचक मुकाबले की बात करें तो यह मुकाबला राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस वक्त साउथ अफ्रीका इस सीरीज में 2-1 से आगे है। हालांकि तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम की जीत के बाद यह सीरीज अब और ज्यादा रोमांचक हो गई है। ऐसे में चौथे और रोमांचक मुकाबले का मजा कोई भी क्रिकेट प्रशंसक छोड़ना नहीं चाहेगा, जिसे आप स्टार स्पोर्ट्स के चैनल पर हिंदी और इंग्लिश कमेंट्री के साथ देख सकते हैं। वहीं आप इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। बताते चले कि यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, चौथे मुकाबले में कौन सी टीम जीत दर्ज करेगी? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 T20 मुकाबले की श्रृंखला खेल रही है, जिसमें टीम इंडिया 2-1 से पीछे है। जब श्रृंखला की शुरुआत हुई थी तब ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि IPL में अपनी तेज गति से सनसनी मचाने वाले जम्मू एक्सप्रेस यानी कि उमरान मलिक को भारतीय प्लेइंग 11 में जगह दी जाएगी, लेकिन खेले गए पिछले तीनों मुकाबलों में उन्हें नजरअंदाज किया गया। इस पर उमरान मलिक के चाहने वाले काफी भड़के हुए थे। उमरान के फैंस इतने गुस्से में थे कि तीसरे T20 से पहले उन्होंने BCCI के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर उमरान को खिलाने की मांग भी कर डाली। बावजूद इसके भारतीय कप्तान ऋषभ पंत और हेड कोच राहुल द्रविड़ ने उन्हें टीम से बाहर रखने का फैसला किया। अब उमरान मलिक के खिलाए जाने पर भारतीय दिग्गज काफी जोर दे रहे हैं। बता दें कि भारतीय टीम के पूर्व महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने हैरान करने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा है कि उमरान डेब्यू का ठीक वैसे इंतजार कर रहे हैं जैसा सचिन के लिए कर रहे थे। बता दें कि सचिन तेंदुलकर इंटरनेशनल क्रिकेट में आने से पहले ही छा गए थे। उनका रन उगलता बल्ला घरेलू क्रिकेट में कोहराम मचा रहा था। वो स्कूल क्रिकेट में भी ट्रिपल सेंचुरी जड़ चुके थे, उसी तरह उमरान भी छाए हुए हैं। दूसरी ओर भारत के पूर्व क्रिकेटर दिलीप वेंगसकर को लगता है कि तेज गेंदबाज उमरान मलिक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए तैयार है। जम्मू के तेज गेंदबाज मलिक ने IPL 2022 में लगातार 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदें फेंकी। वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की T20 सीरीज के सदस्य हैं। उन्होंने कहा, खेल पर हर किसी का नजरिया अलग होता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो IPL में उस तरह की गति और
और सटीकता दिखाने के बाद खेलने के हकदार हैं। साथ ही जब आप घर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हो तो उसके जैसी किसी को परखने का यही समय होता है। आईपीएल में खेलने के अपने पहले पूर्व सत्र में मलिक सनराइजर्स हैदराबाद के लिए शीर्ष पर थे। उन्होंने 14 मैचों में 20.18 के औसत से 9.3 की इकोनॉमी रेट से 22 विकेट लिए। मध्य ओवरों के चरण में विकेट लेने से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। प्रतियोगिता के अंत में उन्हें सीजन के उभरते खिलाड़ी के रूप में भी नामांकित किया गया था। वहीं आखिरी में इरफान पठान ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया। उनके इस वीडियो में उमरान मलिक भारतीय टीम में सिलेक्शन के बाद केक काटते दिखे। उनके साथ अब्दुल समद भी मौजूद थे। इस मौके की कुछ तस्वीरें भी इरफान ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर की हैं। इरफान पठान ने इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में उमरान मलिक के लिए बधाई लिखी। वहीं अब्दुल समद के लिए भी संदेश लिखा। इरफान पठान ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो के कैप्शन में लिखा कि उमरान मलिक आपको बहुत बड़ा वाला कांग्रेचुलेशंस अपने डेब्यू और जम्मू कश्मीर व पूरे भारत में सभी उभरते बच्चों के लिए प्रेरणादायक बनाइए और अब्दुल समद अपना टाइम आएगा। इरफान ने जहां इस कैप्शन में उमरान को बधाई दी तो वहीं दूसरी तरफ अब्दुल समद जिनके लिए आईपीएल 2022 कुछ खास नहीं रहा उन्हें सांत्वना भी दी। दोस्तों इस वक्त पूरे भारतवर्ष में उमरान मलिक को प्लेइंग 11 में शामिल करने के लिए जमकर बांग हो रही है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, उमरान मलिक को साउथ अफ्रीका के खिलाफ अगले T20 मुकाबले में मौका दिया जाना चाहिए या नहीं? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।